नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। किसान मरने और दर दर की ठोकरें खाने के लिए परेशान है, लेकिन नहीं आए फसल देखने के लिए कोई अधिकारी। खबर सीहोर जिले के चंदेरी गांव के किसान सज्जन सिंह के खेत में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की वजह से पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई, लेकिन नहीं आए राजस्व विभाग के अधिकारी। तो गाँव वालों ने सरपंच, सचिव और ग्राम सेवक के साथ मिलकर बनाया पंचनामा और मांग कर ली RBC 6-4 के नियम में मिलने वाली सहायता की। ग्राम के सामाजिक किसान MS मेवाड़ ने देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से गरीब किसान की नुकसान हुई फसल बीमा मुआवजे की बात की। आपको बता दें कि किसान सज्जन सिंह की फसल हवा और पानी गिरने से 12 मार्च की रात में आए तूफान में खराब हो चुकी थी, उसी के मुआवजे की मांग को लेकर पंचनामा बनाया गया है। नहीं यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के हित की बात करते हैं और उन्हें मुआवजा दिलाने की बात करते हैं। इसी बात को दोहराते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की चिंता करते हुए ये बात करते हैं कि किसानों को चिंता करने की बात नहीं है, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसान परेशान। वहीं बताया जा रहा है कि किसान सज्जन सिंह 3 लाख रुपए का कर्जा भी बैंक यूनियन बैंक और शाखा में कर्जा है। वहीं किसान कर्ज से परेशान भी है। किसान ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे मीडिया ग्रुप। कौन सी तारीख को? इनने 16 तारीख को ये माननीय कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय को आवेदन दे चुके थे। पंचगण, सरपंच, प्रतिनिधि, सेक्रेटरी पंचायत के, कृषि ग्राम सेवक, आज हमारे गांव में जो नुकसान हुआ था 12-3 रात की रात्रि को, 12 मार्च की रात्रि को जो नुकसान हुआ था ओला हवा पानी से, जिससे कि हमारे गांव का गरीब किसान सज्जन सिंह की पूरी फसल चौपट हो गई थी। ये उस दिन रोया भी बहुत था, यहाँ इस गेहूं में लोटपोट भी हो गया था। तो हम गांव वालों ने इसको मनाया, समझाया कि नहीं, सरकार तुम्हें मदद देगी। माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हें मदद मिलेगी, इसलिए इसको धासा दिलाई। तुम्हारा कर्जा का भी बीमा कंपनी से मीटिंग लेके ये निर्देश दिया है कि तत्काल 6-4 RBC 6-4 के अंतर्गत किसानों को मुआवजा और आकलन किया जाए, किसानों को बीमा दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 7-8 दिन से पानी, हवा पानी गिर रहा है, कई किसानों की और भी फसलें पहले भी चौपट हो गई, बची खुची जो आज ओला गिरा 4:20 पे, चने मान मान कई बोर के मान मान 10-20 मिनट गिरे ओले, और 1 घंटा पानी गिरा, ये गेहूं पूरा लेट गया। अब ये बाली मई की मई, ये गेहूं खड़ा नहीं होने वाला है। इस गेहूं को सरकार प्रशासनिक अधिकारी तो 5 या 10% नुकसान मानेंगे, लेकिन मैं गारंटी दूं 50 और 60% नुकसान है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आकलन सही कराया जाए और पंचनामा गांव में आके पटवारी से बनवाया जाए और पंचनामा मौके पे बनवाया जाए, क्योंकि पटवारी घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के पंचनामा बनाता, उस एक पंचनामा की कॉपी हम किसानों को दी जाए, एक पंचनामा की कॉपी पंचायत में लगाई जाए, तब हमें पता लगे हमारे सामने का, हमें हमारा कितना परसेंट नुकसान दर्शा जा रहा। RBC 6-4 के अंतर्गत हमें मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 25% किसानों की फसलें पहले कट गई, निकल गई, वो तो बच गए, लेकिन कुछ किसानों की जो हरी फसलें थी जैसे आड़ी पड़ गई। ये गांव में 2-4 किसान ही होंगे ऐसी, यदि एक किसान का भी नुकसान हुआ, 6-4 नियम ये कहता है, एक किसान की भी फसल खराब हुई और गांव में किसी अन्य की नहीं हुई, तो भी उसे 6-4 के नियम में मुआवजा देने का हक है, लेकिन उसका प्रकरण नहीं बनाया जाता, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। कहते भाई अड़ोस पड़ोस गांव में पूरे में तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन मैं फिर विनती करूंगा ऐसा कानून बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि एक किसान का भी आंधी ओला पानी से खेतों की फसल बर्बाद हो तो इसे एक कोई मुआवजा मिले, एक कोई 6-4 के अंतर्गत राशि दी जाए और पंचनामा संबंधित किसान के हाथ में एक फोटो कापी दी जाए और एक कापी पंचायत में दी जाए, तब जाके पटवारी को तहसील में जमा करना चाहिए। हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके सीहोर जिले के किसान है, चंदेरी गाँव के हम किसान है। हम और एक बात, आज स्थिति ऐसी है कि एक गांव में अगर 100 किसान है, 80 किसान बीमा योजना से जुड़ते नहीं, सिर्फ 20 किसान जुड़ते हैं, और फसल का नुकसान भी 12, 15, 25 गांवों के बीच में क्या स्थिति है उसका हिसाब लगाया जाता था। हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में, और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है
बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है।